अप्लाई किया जाता है, अंकल जी कर दी और फिर उधर जमा किया जाता है भाई। सो इधर से गेट है, देख लो वहाँ से सारा कुछ सप्लाई होता है। और फिर देखो सारे लोग, कितने सारे लोग आते हैं इधर, अपना गाड़ी भी ट्रांसफ़र होती है, बाइक भी, और फिर लाइसेंस भी बनती है। सो यही सब दुकान है। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी अपन लोग घर से निकल चुके हैं, लाइक अभी का वेदर काफ़ी सही चल रहा है क्योंकि कल तो गाइज मतलब बारिश ही हो रहा था, बट आज थोड़ा सा धूप है, बट हवा काफ़ी मस्त वाला चल रहा है गाइज। पीछे की साइड खेत देखो कि क्या ही मतलब मस्त वाला लहर रहा है, जो भी धान वान है ना मस्त वाला लहर रहा है क्योंकि मौसम भी मस्त वाला है। तो अभी अपन लोग बाइक लेके निकले हैं, मैं और फिर अभिषेक हाई कर दे भाई। भाई इसका बोल ही कुछ नहीं है, बस इशारा मस्त वाला इशारा इसका, और कुछ नहीं है। तो अभी हम दोनों निकले लाइक थोड़ा सा मार्केटिंग में, देखते हैं माहौल। उसके बाद अपने को आज काफ़ी इम्पोर्टेंट सा काम है, लाइक बहुत ही ज़्यादा सा, तो समझो यार कुछ अलग सा ही होगा। सो आज का ब्लॉग गाइज क्या ही बोले यार, डेली तो बोलते हैं काफ़ी अच्छा वाला ब्लॉग है, बट ये वाली ब्लॉग अच्छा है यार, आप लोग कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्लीज़ ये ब्लॉग तो देखना बिल्कुल मत भूलना गाइज। और फिर अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, वहाँ पे एक चाची हैं, आंटी बोल सकते हो, हाँ आंटी बोल सकते, चाची बोल सकते, कोई ठीक, कोई मतलब कोई गलत नहीं है गाइज। यहाँ पे उनका बकरी है, बट वो डर रहे हैं कि हम लोग बकरी लेके भाग ना जाएँ, इसीलिए हाँक रहे हैं, मतलब खेत में भेज रहे हैं। तो चलो इनका डर हम लोग दूर कर देते गाइज, हम लोग यहाँ से चले जाते, वरना ये बैठ के बेकार का मतलब डरती रहेंगी। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ अभी। देखो गाइज ये चाची थी, ये चाची ब्लू साड़ी वाली, और इधर देखो उनका बकरी भाई, खस्सी वस्सी बोल सकते हो। इनको डर था कि हम लोग लेके भाग ना जाएं, क्योंकि अपना बाइक भी है भाई वही स्प्लेंडर, तो इससे डर लग रहा था। हवा देखो गाइज काफ़ी मस्त वाला चल रही है। सुबह ये देखो ये क्या है, ये पंचाने नदी है गाइज, और फिर वहाँ पे छठ वाला अरग पड़ता है जो कि दिसंबर में आने वाला, नवंबर में ही छठ है, तो वहाँ पे अरग पड़ता है छठ का। और फिर ये पंचाने नदी का रोड है, बैवानी से अपन लोग पहाड़ी पर जाते हैं वही है ये रोड। और फिर देखो इस तरफ देखो कितना ही भौकाल वाला तालाब है गाइज, मतलब नदी है, भैंस देखो ना क्या ही मस्त वाला तैर रहा अंदर, दिख रहा है सारा भैंस। इस बार बारिश ज़्यादा नहीं हुई ना इसी कारण से ऐसा, वरना बारिश ऐसा होता है ना भाई पानी ही पानी होता, सारा चीज़ डूबा हुआ होता है, ऐसा दहाड़ आता है इसमें आता है तो एकदम भौकाल मचा देता है भाई। और फिर वो हॉस्पिटल जो कि मैंने इसके काफ़ी पहले वाले वीडियो में मैंने जिक्र करा था, ममता हॉस्पिटल है जो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जो कि मैंने पहाड़ पर से शायद वो दिखाया था ये वाली हॉस्पिटल, तो सारा एकदम डूबा हुआ रहता है जितना भी दिख रहा है ना सारा कुछ। और ये फिर न्यू बना था, जिस टाइम ये बना हुआ नहीं था ना उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भौकाल वाला रोड एकदम डूबा हुआ रहता था गाइज हमेशा, बट इस बारी तो पानी पड़ा ही नहीं है, करीब 2 साल से दहाड़ नहीं आया मान लो ना, तो ये पानी मतलब अफलातून नहीं हुआ, ऊपर नहीं उठाया ज़्यादा लेवल, इतना ही तक लास्ट एकदम हुआ है, बाकी 2 साल पहले बहुत भयानक वाला था यार सीन। ये देखो इधर के साइड सामने पहाड़ी पे चले जाओगे और फिर इधर बेवानी, और फिर वो अभिषेक मास्क लगा रहा है मेरी तरह, और ये पंचान नदी भाई उधर देखो ना उधर भी थोड़ा सा, इस बारी थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो पानी भी इसमें थोड़ा बहुत ही आया है, तो चलो कोई ना यार, मतलब इतना भी पानी सही है, एनफ है गाइस, ज़्यादा दहाड़ भी सही नहीं होता बट सही है यार। देख लो सारा कुछ डूब जाता है, उधर दिख रहा है ना घर, सारा घर डूब जाता है। सो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं पंचाने नदी के पास से, और फिर बाइक में फिर से प्रॉब्लम हो गई गाइस, ये देखो मतलब 2 किक मारा तब जाके 1 किक में स्टार्ट किया और फिर बंद हो ही जा रहा बाइक, तो स्प्लेंडर का क्या हो गया पता नहीं, बट चलो कोई नहीं। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं DTO ऑफिस, जो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस गाइज बनवानी है, अपना लर्निंग कंप्लीट हो चुका, बस लर्निंग का 1 से 1.5 महीना या फिर 1.5 महीना हो चुका, तो अभी मेन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं गाइज, तो एक अंकल है उन्हीं के थ्रू करवा रहे हैं, बाकी जो एग्ज़ाम होगा सारा कुछ अपन लोग आके दे देंगे, बस वो अप्लाई कर रहे हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग वही अप्लाई किए थे और फिर अब लाइसेंस मेन वही अप्लाई करेंगे। तो अभी जाएंगे DTO ऑफिस, वहाँ पे उनको कुछ पेमेंट करनी है, लाइक जो भी लाइसेंस का पेमेंट होती है ना वही पेमेंट करनी है, और फिर लगभग 1 महीने बाद अपना लाइसेंस घर में आ जाएगा। इतना भयानक सब मशीन होता है यार, ये देखो दिख रहा है ये लोग भाई, मतलब क्या ही बोले भाई ये लोग को। सो फाइनली भाई अब हम लोग पहुँच गए लाइक बाईपास के इस तरफ है, और फिर अपन लोग क्रॉस कर रहे हैं, और फिर सामने अपना DTO ऑफिस है गाइस, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अपना
लास्ट जो है ना तो आ चुका, मेन लाइसेंस आ जाएगी हाथ में, उसके बाद अपन लोग कहीं भी चला सकते हैं। फिलहाल अभी अपन लोग नहीं चला पा रहे थे इसी कारण, क्योंकि एक पुलिस अंकल ने भी मेरे को बोला था कि पहले पूरा लाइसेंस बना लो फिर चलाना तो अच्छा रहेगा। तो गाइस बिहार शरीफ का DTO ऑफिस, ये वाली दिख रहा है, इधर DTO ऑफिस है। कितना सारा बाइक लगा हुआ है यार, इधर से ही अप्लाई होता है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, आगे से भी अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद अंदर जमा करना होता है जो भी तुम्हारा अप्लाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है ना वो वाली लर्निंग का। तो इतना सारा देख लो, इतना सारा हम पहले अप्लाई होता है ये सब में, और फिर इसमें अंदर जाके उधर ऑफिस है उधर जमा होता है। तो अभी फिलहाल पहले अंकल से मिलते हैं और फिर चलते हैं गाइज। भाई मेरा तो काम हो गया, अपना तो काम हो गया, इधर ही अप्लाई किया जाता है, अंकल जी कर दी और फिर उधर जमा किया जाता है भाई। सो इधर से गेट है देख लो, अंदर जाने का शायद ऐसे वीडियो वीडियो बनाने का परमिशन नहीं होगा, और फिर अपन लोग वैसा सोच भी नहीं आ रहे हैं कि कोई डिस्टर्बेंस हो। तो गाइस इधर से ही अपना करना है, मतलब इधर से ही देख लो, ये वाली है ऑफिस, इसके अंदर जाना होता है, सामने दिख रहा है ना, इसी के अंदर जाना होता है। तो फिलहाल अभी अपन लोग सारा कुछ कर गए, अब यहाँ से निकलते हैं, अपन लोग कुछ और भी काम है वो भी कर लेते हैं। यहाँ से सारा कुछ सप्लाई होता है, और फिर देखो सारे लोग, कितने सारे लोग आते हैं इधर, अपना गाड़ी भी ट्रांसफ़र होती है, बाइक भी, और फिर लाइसेंस भी बनती है। सो यही सब दुकान है। ओ भाई सो अभी देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, मेरे को लग रहा था देखो अभी ये पैर वाला मारेगा। हो जा भाई, ये देखो फ्री हो जा भाई, फिर ये गया, ये एक बार यार स्टार्ट हो गया भाई, ये सही हुआ ना, मतलब कैसे यार, उस दिन भी गया नहीं बना, मतलब ये लोग भाई देखो अपन लोग ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो भाई क्या मस्त वाला जगह है भाई। किधर से जाना फिर, अपने को आगे से या फिर पीछे साइड से जाना? चलो इधर थोड़ा सा आगे आगे, थोड़ा सा पीछे अपन लोग जाएंगे। देखो भाई पैसेंजर दिख रहा है भाई, इतना गर्मी में भी ऊपर बैठा हुआ, गर्मी नहीं बोल सकते बट फिर भी इतना धूल वाले एरिया में भी ऊपर बैठा हुआ था। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग घर आ चुके हैं, अपन लोग DL अप्लाई कर दिए थे, फिर अंकल बोले कि एक OTP जाएगा करीब एक घंटे या फिर आधे घंटे बाद, या फिर डायरेक्ट एक दिन बाद जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, अपन लोग वहाँ पे सारा कुछ ये करके आ गए अप्लाई सब, फिर घर आने के बाद मेरे को कॉल आती है एक घंटे बाद, एक OTP गया होगा, क्योंकि ये OTP ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है गाइस, क्योंकि ये OTP के थ्रू ना आपको स्लॉट बुक होगा किस दिन आपको टेस्ट ड्राइव देनी है। तो मेरे पास एक OTP आया था, मैंने अंकल को बता दिया, अपना स्लॉट बुक हो गया गाइस। तो आज से करीब 5 से 6 दिन बाद का अपना स्लॉट बुक हुआ है, तो उस दिन मेरे को जाना पड़ेगा और अपने को टेस्ट ड्राइव देना पड़ेगा। उसके बाद अपना टेस्ट ड्राइव कंप्लीट होगा ना, पास हो जाएंगे ना, उसके बाद अपन लोग मेन अप्लाई हो जाएगा, उसके 10 से 15 दिन बाद में भी ड्राइविंग लाइसेंस अपना घर पे आ जाएगा, डिस्पैच वहाँ से होगा। उसके बाद जितना दिन का प्रोसेस लगेगा घर आने में, 5 दिन 10 दिन जितना भी लगेगा, अप्रॉक्स 25 डेज के अंदर घर में आ जाएगी अपने पास। सो अपन लोग ड्राइविंग लाइसेंस का मालिक हो जाएंगे भाई मतलब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का मालिक। सो चलो गाइज यही खुशखबरी थी। तो आज सोच रहे गाइज यहाँ पे वीडियो को एंड करें, क्योंकि अपने को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। और गाइज आप लोग बताना गाइज ये वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन मिली या फिर नहीं मिली है, अगर ना मिली हो तो भी हाँ कर देना गाइज। सो फिर बाय बाय गाइज।